लो भाई, शाहरुख खान की फिल्म पठान पर बहुत ही बड़े बड़े जर्नलिस्ट का बयान आ गया है जी। इसमें से एक जो केआर गई, उन्होंने भी बहुत ही बड़ा बयान दे दिया ये फिल्म के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जो पहले जर्नलिस्ट है तरण आदर्श है, उनके बारे में बात कर रहे थे जी। उन्होंने ये फिल्म को 4 से ज़्यादा का रेटिंग दिया है, फिल्म को 5 में से 4.5 रेटिंग दिया है। तो इससे पहले जो KGF Chapter 2 थी साउथ की फिल्म, उसको भी 4.5 रेटिंग मिली था और ये फिल्म को भी 4.5 रेटिंग मिली है। तो आप सोच सकते हैं ये KGF की टक्कर की फिल्म है। तो अभी तक आप टिकट बुक नहीं करते, टिकट बुक कर लीजिए क्योंकि फिल्म पूरा आपको पैसा वसूल फिल्म देने वाली है। और फिल्म में सलमान खान का केमियो भी होने वाला है, तो वो भी लगभग 15 से 20 मिनट तक का उनका केमियो, और दोनों एक साथ में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वीडियो में देख सकते हैं दोनों एक साथ में गन लेके फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी विलन है सबको एक्शन से बहुत ही अच्छा फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर जो KRK हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या जैसा कि आप जानते हैं कि जो KRK हैं अभी तक किसी फिल्म का अच्छा रिव्यू नहीं दिए हैं। जो जितना भी फिल्म उन्होंने रिव्यू दिया है सबको उन्होंने गलत ही बताया। जो बाहुबली फिल्म हो गई या KGF, उनके नज़र में सभी फिल्म बहुत ही बेकार है और किसी भी फिल्म का स्टोरी अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने पठान फिल्म को भी कुछ ऐसा ही कह दिया। उन्होंने कहा है कि ये भी फिल्म अच्छी नहीं है। शाहरुख खान इतने दिन के बाद बहुत बड़े पर्दे पर नजर आए हैं, लेकिन कुछ मजा नहीं आया इनको देख के। ये पुरानी स्टोरी को दोहराई गई है। जो पुरानी स्टोरी आप कोई भी फिल्म को उठा के देख लीजिए, एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है, जितने भी देशद्रोही हमारा इंडिया पर अटैक करते हैं तो एक हीरो आता है वो सभी देशद्रोहियों को ख़त्म कर देता है। तो वैसा स्टोरी कुछ ये भी है, पठान भी है, क्योंकि पठान में भी शाहरुख खान कुछ ऐसा ही रोल प्ले किए हैं। तो गाइस ये KRK को भी ये फिल्म पसंद नहीं आई है। KRK आपको जानते हैं कि बड़े बड़े बयानों को लेकर सुर्खियाँ बने रहते हैं, किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात बोलने के लिए वो जाने जाते हैं। अभी तक उन्होंने किसी भी फिल्म को अच्छी नहीं बोली है, तो पठान फिल्म को कैसे अच्छा बोल सकते हैं। तो गाइस आप बताइए सबसे पहले, क्या आप पठान का टिकट बुक कर लिए हैं? और टिकट बुक करिए तो क्या आप पठान फिल्म देख के आ चुके हैं, कमेंट में बताइएगा। और KRK के रिव्यू पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या KRK का रिव्यू आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।